पीएम मोदी इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं और इस वक्त ऐसे किस्से बड़े मशहूर हो रहे हैं जो भारत और इसराइल की दोस्ती से जुड़े हैं। और ऐसा ही एक किस्सा है करगिल वॉर से जुड़ा। मई 1999 में जब पाकिस्तानी जवान आतंकियों के रूप में कश्मीर के करगिल और द्रास सेक्टर में घुस आए थे तो भारत ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। लेकिन उस वक्त इंडियन आर्मी के सामने काफी बंदिशें भी थी। इंडियन आर्मी के जवानों के पास ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो पहाड़ या ऊंचाई पर निगरानी रख सके। भारतीय फौज उस वक्त मुश्किलों का सामना कर रही थी और ऐसे ही वक्त में इसराइल आया सबसे अच्छा दोस्त बनकर सामने। इसराइल ने करगिल सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ रणनीति बनाने में भारत की मदद की। इसराइली आर्मी के पास इस बात के पुख्ता अनुभव और तकनीक पहले से ही थी। उन्हें बॉर्डर पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और लिमिटेड वॉर में महारत हासिल है। अमेरिकी दबाव के बावजूद इसराइल ने करगिल से पहले ऑर्डर किए गए हथियारों की खेप जल्द से जल्द भारत पहुंचाई। इसराइल ने उस वक्त भारत को हेरोन और सर्चर जैसे यूवी ड्रोन भेजे जो ऊंचाई से निगरानी कर सकते थे। आर्मी को ड्रोन से काफी मदद मिली और दुश्मनों की सटीक लोकेशन का पता भी चला। इसराइल ने भारत को सिर्फ मानव रहित एरियल ड्रोन ही नहीं दिए बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट से फोटोग्राफ भी मुहैया कराए। करगिल वॉर के दौरान बोफोर्स फील्ड गन के लिए इसराइल ने भारत को गोलियां और हथियार भी मुहैया कराए। सिर्फ करगिल वॉर ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी इसराइल भारत के साथ दोस्त की तरह खड़ा रहा। वैसे तो दुनिया के नक्शे पर भारत की विशालता के सामने इसराइल कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी सैन्य क्षमता और युद्ध में दिखाने वाली बहादुरी की वजह से इसराइल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ऐसा वीर मुल्क हमारे देश का दोस्त है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।